लाइन में कहीं दिख नहीं रहा है जिसने हमें फोन किया था। देखो टक्कर सुना है। तो कोई गोली लगने का निशान तो है नहीं, शरीर पे कोई चोट का निशान है नहीं। ये मरा कैसे? एक्सीडेंट वगैरह हुआ ऐसे लगता तो नहीं। सर उसकी बॉडी को बाहर निकाल के देखते हैं। हाँ निकालो भाई साहब। हाँ पकड़ो क्या ले लीजिए। आराम से संभाल के आराम से। सर ने गाड़ी को चेक कर दिया। सर हाँ करो जो निशान है सर लगता है हाथापाई हुई है। सर लगता है किसी ने इसके गले से चेन खींची है। सर ये देखिए खरोच के निशान इसके हाथ पे भी है। सर लगता है इन लोगों के बीच कोई खींचतानी हुई है। सर हाँ यहाँ ये कुछ मिला? हाँ सर ये डिक्की में बैग है सर ये देखिए। एक मिनट सर ऐसे बैग हाथ मत लगा देखो इसमें कोई बम ना हो। भाभी वो ड्राइवर है सर जिसने हमें फोन किया। बताओ क्या हुआ? साहब मैं इधर से आ रहा था अचानक मैंने देखा कि इस सुनसान रास्ते पर ये कार खड़ी है। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है इसलिए मैंने आप लोगों को फोन कर दिया साहब। अच्छा काम किया तुमने। अच्छा ये बताओ यहाँ पर तुमने किसी आदमी को देखा कहीं भागते हुए देखा किसी को है? नहीं साहब मैंने किसी को भागते हुए नहीं देखा साहब। तो तुमने इस गाड़ी को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं साहब मैं तो इस कार के पास भी नहीं गया हूँ। ठीक है सर बैग में बम नहीं है। सर बम नहीं? नहीं बैग लेके आओ खोल के देखते हैं क्या है देखते अंदर। संभाल के बैग बड़ा भारी है सर। खोलो इसे भी। क्या हुआ सर? बैग खुल नहीं रहा सर। कोशिश करो फ्रेडी तुम्हारे पास वो मास्टर की है ना उसे ट्राई करो। मास्टर की थी लेकिन गुम हो गई सर। फ्रेडी सॉरी सर। दया देखो ये देखो टायर के निशान लगता है बड़े जोर से ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाया नहीं सर ब्रेक लगाना पड़ा। शायद किसी ने जबरदस्ती गाड़ी रुकवाई है। सर हाँ वॉलेट मिला लगता है इसी का है। पैसे तो नहीं सर। हाँ सर विजिटिंग कार्ड। मनोज टीके टेलीफोन्स में काम करता है। मनोज तू एक काम करो इस गाड़ी से फिंगरप्रिंट उठाओ और इस बॉडी को फोरेंसिक लैब में भेज दो और फ्रेडी हाँ सर इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो। सर आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। एक नया केस आया है सर उसी पे काम कर रहे हैं। ओके सर आप अपना ख्याल रखिए और डॉक्टर जैसा आपको कहता है वैसा ही कीजिए सर। ओके हाँ सचित क्या अभिजीत क्या कह रहे हैं? सर डॉक्टर का कहना है कि एक दो हफ्ता और लगेगा सर उनको जो गोली लगी है उसका घाव भरा नहीं है अभी तक सर। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ सर। अभिजीत की हालत में काफी सुधार है 8-10 दिन में वो फिर से ऑफिस में आने लगेगा। 8-10 दिन में आएगा वो? हाँ सर। वंडरफुल। मगर ये फ्रेडी कहाँ रह गया? इस फ्रेडी को एक काम दो तो घंटों लगाएगा। समझ में नहीं आता कहाँ अटक गया। आपने याद किया और फ्रेडी आ गया सर। अच्छे काम के लिए थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना सर। क्या मतलब? मतलब ये कि एक ऐसा आदमी लेके आया हूं जो एक झटके में ताला खोल सके। बड़े बड़े ताले खोले हैं इसने तो खुलवाओ ताला इससे। चलो भाई आइए। क्या हुआ होगा वहां? सर लगता है कि लुटेरे मनोज का मोबाइल भी साथ ले गए।
हाँ मोबाइल को कहीं फेंक भी दिया होगा। सर हमें मनोज के घर से उसका मोबाइल नंबर लेना चाहिए सर। इतनी तारीफ की तुम्हारी, तुम्हारी तो हवा ही निकल गई। नाक कटवा दी मेरी एसीपी साहब के सामने। एक तो पहली कटी हुई थी, रही सही भी कट गई। साहब ये कोई मामूली सूटकेस नहीं है, बहुत मजबूत है, मजबूत। कहो तो तोड़ दूं? हाँ फ्रेडी, ताला खुला क्या? नहीं सर अभी तक तो नहीं खुला है। अरे क्या फ्रेडी, मैकेनिक भी अपनी जैसे ही लेकर आए। ए मेरी तरफ क्या देख रहा है, जल्दी खोल, इज्जत का फालूदा कर दिया तूने। सर एक बात और, सर कार में से एक ही आदमी के उंगलियों के निशान मिले हैं सर, इसका मतलब यह है कि एक ही आदमी है जिसने मनोज की जान ली है सर। सर कार में से जो उंगलियों के निशान मिले थे वो हमारे रिकॉर्ड में है ही नहीं सर। रिकॉर्ड में है ही नहीं? ठीक है एक काम करो विवेक, जंगल के आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है सब में जाकर के पूछताछ करो, पूछो वहां पर क्या किसी ने इस मनोज का नाम कभी सुना था क्या पहले। यस सर। हेलो, जी हाँ, ओके सर, सालून के साहब का फोन था, कह रहे थे कि मनोज की डेथ हार्ट अटैक से हुई है सर। हार्ट अटैक से? यस सर। वो भी इतने कम उम्र में? खुल गया मैप, खुल गया। अरे ये क्या है? आत्मा देखा क्या? इतने सारे पैसे सपने में भी नहीं देखे थे सर। इतना सारा पैसा ये मनोज बैग में लेकर घूम रहा था, मगर सर इतना पैसा लेके वो जा कहाँ रहा था? वही तो, और तो उन लुटेरों ने उसके गले की चेन लूट ली, हाथ का कड़ा लूट लिया, लेकिन ये पैसों से भरी बैग उसे नहीं छुआ। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? ये घर मनोज का है ना? जी हाँ, लेकिन इस वक्त वो घर पर नहीं है, आप बाद में आइए। मतलब कि जब आप यहाँ से चली जाएंगी हम लोग तब आए? मतलब ये है मैडम कि हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ, और आप मनोज की पत्नी है ना? जी हाँ, मेरा मतलब है थी। थी मतलब? मैं उनकी बीवी थी, अब नहीं हूँ। 10 दिन पहले हमारा तलाक हो गया। अगर 10 दिन पहले तुम्हारा उसके साथ तलाक हो चुका है तो तुम मनोज के घर पर क्या कर रही हो? मेरा सामान रह गया था यहाँ पे, वही लेने आई थी कल। कल? लेकिन जब कल यहाँ आप आई थी तब मनोज भी था यहाँ पे? जी हाँ था, लेकिन वो तो कल रात को ही घर से निकल गया था, बोल रहा था कहीं बाहर जाना है किसी काम से, आज शाम तक वापस आ जाऊंगा। शायद अब वो दोबारा कभी नहीं आएगा। मेरे लिए तो वो ऐसे ही चला गया था, अब वो यहाँ आए या ना आए मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो यहाँ नहीं आएगा, मत आने दो। देखिए मैडम, आप समझने की कोशिश कीजिए, आपके पति मनोज का खून हो चुका है, समझी? मनोज का खून हो गया है? मतलब अब ये घर मेरा हो जाएगा? हमें मनोज की लाश मिली है उसके कार में। अच्छा हुआ वो मर गया, ऐसे इंसान का तो मर जाना ही अच्छा है। कैसा आदमी था मनोज? एक नंबर का धोखेबाज। धोखेबाज? अच्छा ये बता सकती है कि उसके पास कोई बैग था जिसमें 1 करोड़ रुपया था? 1 करोड़ रुपए? इतने रुपए कहाँ से आए उसके पास? आपको सचमुच नहीं मालूम? जी नहीं। आपके पास मनोज का मोबाइल नंबर तो होगा ना? जी हाँ। दीजिए नंबर दीजिए उसका। जी लीजिए। देखिए अब हमें यह बताइए कि मनोज का कभी किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? ज्यादा कुछ तो नहीं हाँ, लेकिन उनके अपने बॉस के साथ जरूर झगड़ा हुआ था। बॉस से? जी हाँ। नहीं, एक काम करते, मोबाइल कंपनी से पता करते हैं कि मनोज का फोन इस वक्त है कहाँ। का वॉचमैन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है? अरे वो रहा, वो बेटा। हे, थूक थूक के दीवार खराब कर दी तूने।
थूकने का शौक है तुझे? थूक इसमें, थूक 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 इसमें, थूक। आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ। यहाँ पर मनोज रहते थे, जानते हो उसे? मनोज साहब तो बहुत ही अच्छे आदमी है। है नहीं, थे। क्या मतलब? मतलब ये कि अब वो नहीं रहे, किसने खून कर दिया उनका? ये भगवान। कल रात को तुमने देखा था मनोज साहब? कल रात को साहब के लिए मैंने गेट खोला था। उनके साथ कोई था? उनका कोई यार दोस्त या बिल्डिंग का कोई आदमी? अकेले ही गए थे। क्या बिल्डिंग का कोई भी नहीं था यहाँ पर? बिल्डिंग का? हाँ, उनके जाने के बाद राकेश साहब अपने दोस्तों के साथ बाहर गए थे। राकेश? ये राकेश कौन है? मनोज साहब के पड़ोसी। और कुछ देखा? कोई अजीब सी चीज हुई यहाँ पर? राकेश साहब कल जल्दी में थे। अच्छा? हाँ साहब, मैंने कई बार देखा है। मनोज साहब जब भी बाहर जाया करते थे, राकेश उनका पीछा जरूर किया करता था। वो देखिए साहब। चलो देखते हैं राकेश कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है। मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आता हूँ। राइट गजन, यू टू। भाई साहब सुनिए। जी हाँ बोलो। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल देना, निकालो। 15 रुपए। 15 रुपए? अरे पूरे मार्केट में 12 रुपए में बिक रही है, तुम 15 रुपए में बेचो? लूट मचा के रखी है। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? कौन हो? ये टाइम नहीं है बताने का, अगर बता दूंगा ना तो पतलून गीली हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, दे दो 12 रुपए, दे दो। ये लो 20 रुपए रख लो, बोतल के भी पैसे। अब बोतल भूल जाना, समझे? सॉरी, माफ कर दीजिए। सॉरी का मतलब क्या है? हाँ, आप अचानक से आ गई और मुझे आप दिखी नहीं। आपके कहने का मतलब क्या है कि मुझे दिखाई नहीं देता? अरे मैंने ऐसे थोड़ी कहा। एनीवे, मैं आपकी मदद करता हूँ। हाथ मत लगाना उसको, इसे पकड़ो, पकड़ो इसे। ये लो। थैंक यू। ऐसे क्या देख रहे हो? बॉटल रखो और चलते बनो। जी सॉरी मैम, नाइस मीटिंग यू। गुड जॉब करण। अब देख रहे हैं कि मनोज की गाड़ी में से जो उंगलियों के निशान मिले हैं, उस निशान से ये राकेश के उंगलियों के निशान मैच करते हैं कि नहीं। ये सुन के बड़ा धक्का लगा कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक से उसकी मौत। मतलब तुम्हें लगता है कि मनोज की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि किसी ने मारा है उसे? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था। मैं ये कह रहा था सर कि उसे कोई बीमारी बीमारी तो थी नहीं। फिर वो हार्ट अटैक आया कैसे? क्या मनोज को कोई टेंशन वगैरह थी क्या? नहीं सर, उसे कोई खास टेंशन नहीं थी। ये मनोज कब से काम कर रहा है आपके साथ में? यही कुछ 1.5 साल से। 1.5 साल से? कभी कोई झगड़ा वगैरह हुआ था उसके साथ किसी का? नहीं सर, ऐसा तो मेरे नॉलेज में नहीं है। उसने मुझे कभी बताया भी नहीं था। क्या मरने से पहले मनोज ने तुम्हें फोन किया था? नो सर। मनोज की पत्नी हमें बता रही थी कि आपका और मनोज का झगड़ा चल रहा था। ऐसा कह रही थी? हाँ। अच्छा, लेकिन वो ऐसे कैसे कह सकती है? कोई ना कोई बात तो जरूर हुई होगी, तभी तो ऐसा कहा उसने। हाँ, कुछ तो हुआ होगा। हाँ ठीक है, कुछ तो हुआ होगा। बताइए क्या हुआ था, किस बात पर अनबन हुई थी आपकी मनोज के साथ? एक्चुअली सर, वो हमारी सैलरी को लेकर के सर थोड़ी अनबन हो गई थी। पर मैंने आप लोगों को बताया ना,
मनोज बहुत ही अच्छा आदमी था। अब तुम्हें सड़क पे आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई। उल्टी गिनती 9, 8, 7, 6। आप चलिए, आप चलिए यहाँ से, आप चलिए यहाँ से, आप चलिए यहाँ से, जाइए आप अपने कमरे में। सॉरी, I'm really sorry. कौन था ये आदमी? मेरे बड़े भाई साहब हैं। एक्चुअली दारू के नशे में हमेशा धुत रहते हैं। मैंने बहुत इलाज कराने की कोशिश की थी, पर क्या कर सकते हैं भाई। आखिर एक बात बताइए, हमें मनोज की कार में एक सूटकेस मिला था, कुछ मालूम है आपको सूटकेस के बारे में? उसमें पैसा भी था। पैसा सूटकेस में? हाँ, लेकिन मनोज उस दिन सूटकेस लेकर गया था। जी हाँ। क्या मनोज कोई गलत धंधा करता था क्या? मेरा मतलब है कोई दो नंबर का धंधा। अब सर, ऑफिस के बाहर अगर कोई कुछ करता है तो उसकी जानकारी मुझे कैसे हो सकती है? कभी कुछ गड़बड़ करते हुए देखा था उसे? जी नहीं सर। कमाल, आदमी ठीक ठाक था, टेंशन की कोई बात भी नहीं थी, तो फिर हार्ट अटैक आया तो आया कैसे? ये मोबाइल कंपनी वाले भी स्ट्राइक पे, अब मनोज का फोन कैसे ट्रेस करें? राकेश की उंगलियों के निशान की रिपोर्ट आ गई? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आई। हेलो, हाँ डॉक्टर तारिका। ओके ओके ओके, या ठीक है सर, गड़बड़ हो गया, आप वहां से निकल गए सर। कौन? सर राकेश। कैसे? सर राकेश की मेरा मतलब है मनोज की कार में से जो उंगलियों के निशान मिले थे वो राकेश के नहीं है। इसी उंगलियों के निशान राकेश के नहीं है तो इसका मतलब है अगर मनोज का खून राकेश ने नहीं किया है तो फिर बचती है मनोज की बीवी। सर, उंगलियों के निशान पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स में है। किसके हैं ये उंगलियों के निशान? कोई छोटा मोटा चोर है, कॉन्टेरा नाम है उसका। चोर है? कॉन्टेरा? तो कहीं चोरी करते वक्त तो इसने मनोज का खून नहीं किया? सर उसकी उसकी फोटो भी मिली है सर। और एड्रेस मिला? यस सर। तो फिर उठाओ इस कॉन्टेरा को, पूछताछ करो उससे अच्छी तरह से, देखो क्या इसी ने मनोज का खून किया है क्या। सर यहां पर तो ताला लगा हुआ है, लगता है फरारी फरार हो गया। गया होगा कहीं बड़ा हाथ मारने। पहले ये तो पता करो कि ये घर उस चोर का ही है या किसी और का है, आसपास पूछते हैं। अरे सुनो सुनो भाई साहब, जरा ये फोटो देखो, क्या ये आदमी यहीं पे रहता है? नहीं रहता। कमाल, लेकिन घर का पता तो यहीं का मिला था हमें, अब इसे आसपास कहीं देखा है क्या? नहीं नहीं देखा। अरे सुनो, अरे भाग गया वो। अरे मैं बेवकूफ बना गया वो। कमाल, मैंने कुछ नहीं किया था। कुछ नहीं किया तूने? एक आदमी का खून किया बोलता, कुछ नहीं किया? खून? सब मैंने कोई खून वून नहीं किया। तो आदमी मरा कैसे वो? मुझे नहीं पता था, मैंने कहा ना। तू भी था ना वहाँ पे? हाँ सब। जब मैं वहाँ पहुंचा अंदर कोई है। अरे भाई साहब, शायद नशे में है, क्या भरोसा, हो सकता है। भाई साहब, भाई साहब,
भाई साहब, अरे भाई साहब, ये तो मरा हुआ है, अच्छा मौका है हाथ साफ करने का। कुछ देर ट्रक वाले का इंतजार किया, सोचा बाद में सूटकेस निकालूंगा जब ये चला जाएगा। फिर क्या हुआ? मैं सूटकेस निकाल ही नहीं सका साहब। मतलब वो ट्रक वाला वहां से निकला ही नहीं? हाँ साहब, नहीं गया, वो वहीं चिपक के रह गया। जब मुझे लगा कि मैं सूटकेस नहीं निकाल पाऊंगा तो साहब मैं तेजी से निकल लिया साहब। तू सच बोल रहा है ना? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, मैं एक छोटा मोटा मामूली सा चोर हूं। सरंखे, सरंखे, कहां गायब हो गया हमें यहां बुलाकर? बात हमारी पक्की है। हां बाबा, बात हमारी पक्की है। डॉक्टर तारिका, हमें बताया भी नहीं और बात पक्की भी कर दी। किस बारे में बात कर रहे हैं सर, मैं समझी नहीं। आपकी शादी हो रही है ना अभिजीत सर के साथ। ये आपको किसने कहा? अभी अभी तो आप कह रही थी कि आपकी बात पक्की हो गई है। अरे वो तो मैं अपनी नहीं, साची के बारे में बात कर रही थी। ये साची? साची कौन है? आप साची को नहीं जानते? नहीं। वो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे तो नया शो आ रहा है ना, बात हमारी पक्की है, वो साची की तो कहानी है। अब तो बस ये इंतजार है कब ये साची और श्रवण एक होंगे। सब बड़ा अच्छा शो है, आप ये जरूर देखना। आप कह रही है तो मैं जरूर देखूंगा। कब आता है? सोमवार से गुरुवार रात को 8:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। तारिका, प्रोग्राम की बात बात नहीं करो। सारुंगे कहाँ है? ओए सारुंगे, तू यहाँ छुप के बैठा है? क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैंने सोचा शर्म के मारे तुम लैब छोड़कर भाग गए। मुझे किस बात की शर्म है भाई? मनोज के मौत के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं चला इसलिए भाग गए हो। कौन दुश्मन फैला रहा है खबर? अभी दुश्मन की बात छोड़, काम की बात कर। क्यों बुलाया? हाँ बता दो। तारिका जरा लाइट ऑफ करो और यूवी लाइट लेके आओ। यस। क्या बताने वाले हो? एक मिनट सबर करो यार। ये देख रहे हैं आप लोग, ये शर्ट, ये मनोज का शर्ट है ना सर? हाँ दया, ये मनोज का ही शर्ट है। और इस शर्ट पर ये देख रहे हैं आप, ये सफेद सफेद, ये क्या है सर? NaCl है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी नमक। एब्सोल्युटली राइट विवेक। डॉक्टर साहब सीधे सीधे बोलो ना कि ये नमक है, ऐसे घुमा फिरा के NaCl बोलने की क्या जरूरत है? डॉक्टर साहब मनोज के शर्ट पे ये नमक आया कहां से? जैसा कि आप लोगों को पता है, इंसान को जब पसीना आता है तो उस पसीने में NaCl होता है, यानी नमक होता है उस पसीने में। तो जब मनोज को हार्ट अटैक हुआ होगा तो उसे काफी पसीना आया होगा, और यही पसीना सूखने के बाद इस तरह नमक की तरह लग रहा है। तारिका लाइट्स ऑन करो और ये यूवी लाइट ले जाओ। और एक बात और बॉस। क्या? ये देखो इसकी कमीज पर, ये देख रहे हो, ये मिट्टी। मिट्टी? हाँ। संखी मनोज की लाश हमें गाड़ी के अंदर से मिली, तो मिट्टी गाड़ी के अंदर आई कहां से? ये पता नहीं, लेकिन मिट्टी तो है बॉस, मिट्टी तो मिली है। मिट्टी तो मिले का क्या मतलब होता है सर? तुम ये कहना चाहते हो कि मनोज गाड़ी के बाहर जाके मिट्टी में लेटा और फिर अंदर आके गाड़ी में बैठा? अब ये तो पता नहीं बॉस कि मनोज को जब हार्ट अटैक आया तो उसने क्या किया। अब तुम तो जानते हो जब इंसान को हार्ट अटैक आता है तो तड़पता है, उसे एक शौक सा लगता है।
अब मनोज को जब हार्ट अटैक आया तो वो गाड़ी से उतर कर बाहर गया और वापस आकर के गाड़ी में बैठा, इतना वक्त उसे मिला या नहीं वो तो नहीं मालूम। एक बात और, अब और क्या? मनोज के जूते में हमें जो चीज मिली है बॉस, उसे देखकर आप सब लोग चौंक जाएंगे। क्या बताता हूँ, एक्सक्यूज मी, ये देखिए। पहचानते हैं क्या है? डॉक्टर, ये तो नेटल है। ये एक तरह का फूल है जो सिर्फ जंगल में ही मिलता है, और ये हमें मनोज के जूते के निचले हिस्से से मिला है। ओह, तो इसका मतलब ये है कि मनोज मरने से पहले उस जंगल में गया था उस रात को। बिल्कुल गया था, और वहीं पर उसके जूते के नीचे ये फूल लग गया, और बस वहीं पर उसके कपड़ों पे मिट्टी भी लगी। या सर, ये भी हो सकता है कि मनोज का खून वहां जंगल में ही हुआ और उसके बाद इसकी लाश को गाड़ी में डाल दिया गया। दया, अगर मनोज का खून जंगल में हुआ है तो वहां और भी सबूत मौजूद होंगे। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, खूनी ने मनोज को इस जंगल में लाकर ही क्यों मारा? यहाँ सड़क पर भी तो मार सकता था। सीधी बात है काजल, ताकि कोई देख ना ले और किसी को पता भी न चले। इस जंगल को अच्छी तरह से छान मारते हैं, एक एक पेड़ एक एक पौधा चेक करते हैं। चलो सब लोग फैल जाओ। ये क्या है? ये तो वही फूल है सर। सर ये देखिए सर, मनोज के जूते से जो फूल मिला था सर, उसका पौधा पास नहीं है सर। ये तो वही फूल है। इसका मतलब है मनोज का खून यहीं के आसपास ही हुआ होगा। देखो आसपास अच्छी तरह से, देखो देखो कुछ सबूत मिलता है क्या। सचिन, सर ये फोन कहीं मनोज का तो नहीं है सर? मनोज का ही हो सकता है, उसका खून होते वक्त शायद उसके हाथों से या पैंट में से गिर गया होगा। देखो किस किस को कॉल किया था उसने। ये देखिए सर, मनोज ने आखिरी कॉल टीके को किया सर। टीके? उस रात मुझे किसी का फोन नहीं आया था, मनोज ने मुझे कोई फोन नहीं किया था। आप एक काम कीजिए, आप इसे देखिए। किसका ये? ये मनोज का फोन है, और आपकी बदकिस्मती ये है कि ये फोन हमारे पास है, और इस फोन में आपके लैंडलाइन का नंबर है जो साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा जी हाँ, पर मनोज ने मरने से पहले आपको फोन किया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये फोन झूठ नहीं बोल रहा है। देखिए हम लोग जब भी बात करते थे हम आपस में फोन पे ही बात करते थे, वो मेरे मोबाइल पे ही फोन करता था। मनोज ने आपके मोबाइल फोन पर जरूर ट्राई किया होगा, हो सकता है कि आपका फोन रेंज में ना हो इसलिए उसने आपके लैंड नंबर पर डायल किया हो। मैडम सालों से मैंने अपने घर के लैंडलाइन को हाथ तक नहीं लगाया। ये भी तो हो सकता है कि आपके किसी परिवार वाले ने बात की हो। देखिए अगर किसी परिवार वाले ने बात किया होता तो वो मुझे जरूर बताते। ये लैंडलाइन है आपका? इसमें तो आंसरिंग मशीन भी है। अगर मनोज ने यहां पे फोन किया था तो जरूर मैसेज भी छोड़ा होगा। देखते सर, मैं पैसे देने जा रहा था मगर अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हुई सर,
आप तो कह रहे थे कि आप इस फोन को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मनोज ने इस पे मैसेज कैसे छोड़ा है? हाँ वो हाँ बोलो 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 बोलती क्यों बंद हो गई? एक्चुअली ये क्या हो गया, अचानक क्यों बंद हो गया? मैं चलता हूँ। अरे वो पैसे किसके थे? एक काम करते हैं, इन्हें हम सीआईडी ब्यूरो ले चलते हैं। आप एक बात बताइए, आप यहाँ मुंह खोलेंगे या आपको ब्यूरो ले चले? मुझे तो लगता है कि आपको ब्यूरो लेके जाना चाहिए, तभी आपका मुंह खुलेगा। क्यों? नहीं नहीं, ब्यूरो जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो इनकम टैक्स वालों से छुपाया हुआ पैसा था, अगर मैं सब कुछ सच बता देता तो वो लोग मुझे जेल में डाल देते। मनोज ये पैसे लेकर कहाँ जा रहा था? वो मेरे एक एक्टर को देने के लिए, सुमित कुमार। सुमित कुमार? जी हाँ, वो मेरे रियलिटी शो का एक एक्टर है। प्लग लूज था, एंसरिंग मशीन शुरू हो गई। देखो ये कौन है, सड़क के बीच में ये आदमी क्या कर रहा है? अरे इसके हाथ में तो गन है, ये मुझे मार देगा। ओह माय गॉड, इसका मतलब मनोज ने इसी आदमी को देख के गाड़ी रोकी थी और इसीलिए गाड़ी के ब्रेक के निशान थे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अगर गोली चली तो गोली गई कहां? ये हम पता लगा लेंगे। और एक काम और करते हैं, इस फोन को हम फॉरेंसिक लैब में भेजते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, घर में फोन रखा है और कहता है कि सालों से हाथ तक नहीं लगाए। संकेत, कुछ पता चला उसके बारे में, कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह? हाँ, तारे का फिंगरप्रिंट्स ले रही है। सर एक बात और, सर मनोज ने मरने से पहले टीके की आंसरिंग मशीन पे एक मैसेज छोड़ा था, आप सुनिए। हाँ तारिका, मैं ये फोन संभाल कर। हाँ बिल्कुल, मैंने इस पे से सारे फिंगरप्रिंट्स उठा लिए। थैंक्स सर, देखिए। ये कौन है, सड़क के बीच में ये आदमी क्या कर रहा है? अरे इसके हाथ में तो गन है, ये मुझे मार देगा। मतलब सर मरने से पहले मनोज ने टीके को फोन किया था और तभी अचानक कोई आ गया उसकी गाड़ी के सामने, उसके हाथ में गन थी, उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। करेक्ट, मनोज अगर ये कह रहा है कि ये आदमी कौन है और क्या कर रहा है सड़क के बीच में, तो हो सकता है वो इस आदमी को जानते ही नहीं। या फिर सर ये भी तो हो सकता है कि उस गन वाले आदमी ने मास्क पहन रखा। रिकॉर्डिंग से तो साफ पता चलता है कि गोली जरूर चली है। हाँ गोली तो चली है, मनोज पे गोली तो चली है, मगर गोली गई तो गई कहाँ? मनोज के शरीर पर कहीं भी गोली का निशान नहीं है। बॉस ऐसा हो सकता है कि उसने गोली तो चलाई लेकिन सीधे गोली उसे नहीं, तो ये हो सकता है कि मनोज ने उसे गोली चलाते देखा, वो भागा अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ और डर की वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं मर गया जंगल में। और गोली चलाने वाले ने देखा कि भाई उसका काम तो वैसे ही हो गया, तो बेकार गोली क्यों चला? आपकी ये बात कुछ जमी नहीं डॉक्टर साहब। क्यों? गोली मारी भी, उसके बाद लाश को उठा के लाया भी, पर गाड़ी में रखे हुए 1 करोड़ रुपए को हाथ तक नहीं लगाया। न गोली मारनी थी और न ही पैसे ले जाने थे, तो फिर वो गाड़ी के सामने आए कि? ये भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी है जिसे मनोज की मौत से बहुत सारा फायदा हो और शायद इसीलिए उसे डरा के मारना चाहता था। एक बात और बस। क्या? मनोज के खून में मुझे खास किस्म की दवाई मिली। कैसी दवाई? ऐसी दवाई जिससे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सके, और ये वही आदमी लेता है जो किसी ठंडी जगह पर, बर्फीली जगह पर रहता हो। अच्छा, वो दवाई है तुम्हारे पास? हाँ, ये है वो दवाई। ये दवाई मैंने राकेश के पास देखी थी। ये पैसा कमाते किस लिए? कहां लेके जाएंगे इसे? पार्टी ना हो तो जिंदगी का मजा ही क्या है? चीयर्स बॉयज। चीयर्स। बुलजाए, ऑर्डर आया कहां से? भोपाल से। कब जाना है भोपाल? अभी चलेंगे।
अभी? हाँ चलो सामान बांधो। देखो और तो कोई नजर नहीं आ रहा, दरवाजा खोल के देखो। जाके देखो प्लीज। ये दोनों कहां रह गए? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ये सब क्या हो रहा है? अरे तुम लोग हो कौन? चल से मेरे घर में घुसा है वो राइया। हाँ मैं पहचाना। इतने सारे टेलीफोन मोबाइल फोन तो कोई बड़ा चक्कर है। मार्केट पॉकेट CID। इधर आओ। क्या चक्कर है ये? कुछ भी नहीं है सर। जरा ये लैपटॉप दिखा। लैपटॉप देख। फिर घर को अच्छी तरह से चेक करो। सर सही जगह पे आए हैं हम लोग। ये क्रिमिनल है, खूनी है। एक खून करने का 1 करोड़ रुपया। हाँ सर, एक खून करने का सिर्फ 1 करोड़ रुपया लेते हैं ये लोग। और ये देखिए सर, अभी तक 10 खून कर चुके हैं अलग अलग शहरों में। कौन हो तुम? राकेश। कहां से आए? अमेरिका से। करते क्या थे तुम आप? पढ़ता था सर। ओ, सर ये पढ़ाई करता था? कैसी पढ़ाई? सर मैंने क्रिमिनल साइंस में PhD की। डॉक्टरेट? दया डॉक्टर राकेश ने खून कैसे करने का इस विषय पर PhD पा ली। सर दवाई, सर वही दवाई जो हमें मनोज के खून में से मिली है। क्यों तुमने मनोज को ये दवाई दी थी? नहीं 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 सर। तुमने मनोज को मारा? हाँ पता नहीं सर। व्हाट व्हाट बोल। हाँ हम लोग बिना हथियार के लोगों को मारते। हमें मनोज को मारने की सुपारी मिली थी। मनोज के घर पे गया, उसके ड्रिंक में मैंने ही दवाई मिलाई थी। अपनी कार थोड़ी से आगे या तो थोड़ी सी पीछे ले, इससे लगना नहीं मिलता कि आप उसका पीछा कर रहे। ओके मैं ओवरटेक करता। सड़क के बीच में ये आदमी क्या कर रहा है? अरे इसके हाथ में तो गन है, ये मुझे मार देगा।
अरे अरे कहाँ जा रहे हो? मेरा बैग। अरे रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो? रुको, रुक जाओ, मेरा बैग दे दो मुझे। अरे भाई रुक जाओ। अरे कहाँ भाग रहे हो? मेरा बैग दे दो वापस। रुको, अरे रुक जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको। अरे मेरा बैग, मेरा बैग दे दो, मेरा बैग दे दो प्लीज, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वही तो हम चाहते कि तुम मर जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि हम मजाक कर रहे हैं तुम्हारे साथ। देखो ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज मेरा बैग दे दो। बैग दे दो इसे। मेरा बैग। तुम तो मर गए, अपना काम हो गया। हमने मनोज को गाड़ी में बिठाया और वहां से चले आए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? किसी ने पैसे दिए और एक आदमी को मार दिया। पैसों के लिए ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ लिख कर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स बन गए। किसने दी थी सुपारी तुम्हें? बोल। मैं नाम नहीं जानता सर। नाम नहीं पता? नाम नहीं पता तो सुपारी कैसे ले ली तुमने? मैं सच कह रहा हूँ सर, हम अपने कस्टमर्स के नाम नहीं पूछते। कितने दूध के धुले हुए हैं ये सुपारी वाले। अपने कस्टमर का नाम नहीं पूछते, उसके कहने पर खून करते। वो आज मुझसे मिलने वाला है सर। तो अभी तक चुप क्यों बैठे? बताएं क्यों नहीं, क्यों मिलने वाला? बाकी के पैसे देने के लिए। ओ, कहां मिलने वाला है? राकेश, यही वो जगह है ना? जी जी सर, यहीं पर मिलने वाला है वो। जी सर। झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं सर, बिल्कुल। कितने बजे आने वाला है वो? 8 और 9 बजे के बीच में बोला। 9 तो बज गए। अच्छा होगा आज केस को समझेगा। मैं एसीपी साहब को बोल दूंगा मुझे छुट्टी चाहिए यार। इसे छुट्टी का रोना मत रोया कीजिए हमेशा से। जब देखो तब छुट्टी छुट्टी। कब तक क्या चल रहा है तुम दोनों? नहीं सर कुछ नहीं। कितनी देर हो गया यार, कहीं फंसा तो नहीं रहा ना तुम्हें वो? पता नहीं सर, मुझे तो बोला था यहीं खड़े रहने के लिए और बोला था हिलना मत यहाँ से। राकेश अब हम कह रहे हिलना नहीं यहाँ से, समझे? हम लोग आस पास ही है, अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश की सीधा गोली से उड़ा देगा, समझे? जी सर। हाँ बढ़िया रही सर। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? मैं डर गया था। क्यों, इतने डरावने लगते हैं हम लोग? सब बताओ, क्यों मारा मनोज को तुमने? बोल। मनोज मेरी कंपनी में नौकरी करता था, मैंने उसको बॉस बनाया, सीईओ। जब तक वो मेरी कंपनी में रहा, मेरी कंपनी एकदम टॉप पे रही। उसके बाद पैसों के लालच में मुझे छोड़कर वो मेरे छोटे भाई के यहाँ चला गया और मैं बर्बाद होता चला गया। तभी मैंने कसम खाई थी कि मनोज का अहंकार जरूर तोड़ के रहूंगा, इसका नाम और निशान मिटा दूंगा। वाह,
वाकई तुमने उसका नामो निशान मिटा दिया। अब जेल में बैठकर फिल्में बनाना, मेरा अहंकार, सुपारी सुपारा, सुपारी वाला, तेरी चोंच, तेरा अहंकार, हासी होने तक अपने फिल्म्स के लिए टाइटल ढूंढते बैठना, समझे? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।